नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के नंबर वन बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रायपुर की, बीजेपी विधायक दल की बैठक है, सीएम आवास पर विधायकों की बैठक चल रही है, मॉनसून सत्र की रणनीति पर मंथन हो रहा है। अजय जामवाल भी बैठक में शामिल होने वाले हैं, पवन साय भी बैठक में मौजूद रहेंगे। सदन में विपक्ष को जवाब देने की रणनीति इस बैठक में बनेगी। तो सीएम आवास पर विधायकों की बैठक बेहद खास इसे माना जा सकता है, चूंकि सत्र चल रहा है और सत्र के बीच में ये बैठक कि आखिर विपक्ष को भी किस तरह से जवाब देना है उनके सवालों का, और तमाम वो मुद्दे रहेंगे जिन को लेकर के आगे अब सरकार बढ़ेगी। विधायक दल की बैठक बेहद खास और इसकी शुरुआत जिसमें सीएम साय के साथ ही सभी दिग्गज इसमें शामिल हैं। बता दें रणनीति पर मंथन होगा, मॉनसून सत्र की रणनीति पर मंथन। साथ ही साथ आपको बताएं अजय जामवाल बैठक में शामिल हो रहे हैं, पवन साय भी हैं। सदन में विपक्ष को जवाब देने की रणनीति इस बैठक में तैयार की जाएगी। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है, कितनी खास ही बैठक चल रही है जानेंगे। सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है, क्या बैठक की शुरुआत हो चुकी है और क्या क्या मुद्दे रहेंगे? क्या लगता है कब तक ये बैठक चलेगी और ऐसे कौन से खास मुद्दे रहेंगे जिन पर चर्चा इस बैठक में हो सकती है? आज विधानसभा मानसून सत्र का पहला दिन था और पहला दिन हंगामे भरा रहा है। ऐसे में महत्वपूर्ण बैठक आज भाजपा विधायक दल की है, मुख्यमंत्री निवास में ये बैठक रखी गई है और तमाम विधायक जो मंत्री हैं वो आ चुके हैं और कुछ बचे हुए हैं जो आने का सिलसिला चला है। कुछ ही देर में अभी बैठक शुरू होनी है, ऐसे में चर्चा चल रही है बाहर में और मुद्दा सिर्फ एक है कि विधानसभा सत्र के दौरान किस तरीके से सरकार अपने पक्ष को रखेगी, मुद्दे को रखेगी, क्योंकि 26 तारीख तक के है जो वो विधानसभा सत्र चलेगा। कम समय है ऐसा विपक्ष का मानना है, लेकिन सरकार इसमें अपने पूरे जो विधेयक है वो रख लेगी, अनुपूरक बजट है, इसके साथ ही तमाम जो मुद्दे हैं उस पर भी चर्चा होनी है, तो काफ़ी अहम हो जाता है। ऐसे में विधायकों को तैयार करना है, उन्हें फीडबैक लेना है और उन्हें जानकारी देनी है सरकार के कामकाज के बारे में, तो ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं सरकार के काम को लेकर उस पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री एक एक विधायकों से चर्चा करेंगे और ये भी बताया जा रहा है जो नए विधायक हैं जिन जो इस बार पहली बार चुन के आए हैं तो उनको अपनी बातों को किस तरीके से रखना है ये भी बताया जा रहा है। साथ ही संगठन के जो लोग हैं, पवन साय है वो मौजूद रहेंगे, अजय जामवाल मौजूद रहेंगे, तो संगठन की तरफ से जो दिशा निर्देश देने हैं वो भी जो है वो तमाम विधायकों को दिया जाएगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए आकाश, लगातार बैठक पर नजर बनाए रखिएगा। विधानसभा के मॉनसून सत्र का हंगामेदार आगाज हुआ है। बता दें बलौदाबाजार हिंसा को लेकर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया, विपक्ष ने काम रोको प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की है, जिसके बाद चर्चा को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने आ गए। सत्ता पक्ष ने न्यायिक जांच का हवाला देकर चर्चा नहीं करने की बात कही, जिसके बाद कांग्रेस के विधायक वेल में आकर जमकर हंगामा करने लगे, जिसकी वजह से कांग्रेस विधायकों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कल तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित भी कर दी। मान रहे हैं, उसी की जांच चल रही, समय से बात सामने भी आएगी, किसने किया षड्यंत्र, कौन वहां गया, क्या हुआ, इसकी जांच तो हो ही रही है और पता चलेगा आगे। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, जिनके पास जो जानकारी है, जिसको चिंता है वो जाकर जरूर बताएं, मेरा आग्रह उनसे है, सदन में बताना यहां वहां, भाई जांच एजेंसियां जो जांच कर रही है उनको भी जरूर बता दें। देखिए बहुत गंभीर मामला है, पूरे प्रदेश ने, देश में पहली बार हुआ है कि कलेक्टर और एसपी कंपोजिट बिल्डिंग है उसको क्षतिग्रस्त करके आग में झोंक दिया गया हो, ऐसी घटना इतिहास में पहली बार हुआ है। और ये मात यदि सतनामी समाज की बात यदि स्वीकार कर लेते, जो जोड़ा जयत खान को जो क्षति पहुंचाया गया अमर गुफा में, यदि उनकी बात मान ली जाती, वो सीबीआई जांच की मांग ही कर रहे थे, यदि मांग कर लेते तो बात समाप्त हो जाती, इतनी बड़ी घटना नहीं होती। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 24 जुलाई को विधानसभा का घेराव करेगी। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी शामिल होंगे। तो वहीं विधानसभा घेराव में प्रदेश के तमाम ब्लॉक के कार्यकर्ता राजधानी रायपुर पहुंचेंगे, इस बात की जानकारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने दी। विधानसभा घेराव के लिए पूरे प्रदेश भर से हमारे हर ब्लॉकों से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हो रहे और हमारा घेराव शांतिपूर्वक रहेगा।
बिगड़ती कानून व्यवस्था और लचर कानून व्यवस्था को लेकर, और इसमें विशेष रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी उपस्थित रहेंगे, और इसके साथ AICC के सेक्रेटरी, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कोई AICC का और नेता है, अभी चर्चाएं चल रही है। बीजापुर में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और उफनते नदी से महिला का नवजात के साथ रेस्क्यू किया गया। CRPF जवानों ने रेस्क्यू किया। बता दें महिला और बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया। डिलीवरी के बाद महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। तो ये रेस्क्यू किया गया है नवजात बच्चे और मां का, और समय रहते अस्पताल पहुंचाया गया है दोनों को ही। बारिश की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जगह जगह जलभराव की स्थिति है, पानी ही पानी नजर आ रहा है। और इसी बीच जो है गर्भवती महिला फंस गई, अस्पताल उसे जाना था, और इसी बीच नवजात को उसने जन्म दिया। SDRF की मदद से ये लोग अस्पताल तक पहुंच पाए, ये नदी नाले को पार कर पाए और जाकर के अस्पताल पहुंच सके। बीजापुर का हम जिक्र कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप इस वक्त देख रहे हैं जहां पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। महिला है, नवजात उसका बच्चा है, और जैसे ही बच्चे को जन्म दिया उसके बाद महिला को अस्पताल ले जाना था, और अब SDRF की मदद से इन्हें अस्पताल ले जाया गया। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, हर जगह पानी ही पानी है और कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ती जा रही है, पर यह है कि समय रहते महिला की मदद करने के लिए CRPF की टीम वहां पर पहुंची, महिला की मदद की गई, अस्पताल पहुंचाया गया। जी बिल्कुल, ये मामला बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक का है, जहां पर नंबी पारा की जो महिला है, प्रसूता महिला, अपने नवजात को लेकर उसूर स्वास्थ्य केंद्र जाना था, डिलीवरी के बाद उपचार करने जाना था, लेकिन लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर थे, जिसके बाद काफी देर तक वह मौजूद रही, और नंबी जो धारा है वहां पर मौजूद CRPF 196 और 205 कोबरा के जवानों को जब इसकी जानकारी लगी, तब जवानों ने मां और बच्चे का सुरक्षित रेस्क्यू करने का प्लान बनाया। एक बड़े से प्लाई के नीचे ड्रम लगा के जो जवान हैं उफनते नदी में उतर गए, और नदी के उस पार जो मौजूद मां और बच्चे को सुरक्षित उस पे बैठाया गया, और कांधे में लेकर जो जवान सुरक्षित उनको नदी से बाहर लाकर उन्हें उसूर स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया। जवानों द्वारा किए गए जो कार्य को लेकर ग्रामीणों ने उनका आभार जताया है। तो ही बता दूं कि बस्तर संभाग में लगातार हो रही बारिश से जो सभी नदी नाली उफान पर है, और बीजापुर जिले में चार दिनों से जो बारिश हो रही है उसके चलते जो नदी नाले उफान के होने की वजह से जो गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट चुका था, ऐसे में जवानों द्वारा यह काम किया गया, जिसको लेकर जवानों को एक देवदूत के रूप में भी देखा जा रहा है। इस जवान द्वारा किए गए कार्य को ग्रामीणों ने काफी धन्यवाद दिया उनको, और जो नक्सल मोर्चे पे जवान है उनकी एक ऐसी भी तस्वीर सामने आई है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास जानकारी को साझा करने के लिए। मुंगेली में झमाझम बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है, जिससे सड़कों पर पानी भर चुका है, तो वहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो जल जमाव ने मुश्किलें पैदा भी कर दी हैं। ये तस्वीरें मुंगेली के इस वक्त आप देख रहे हैं, सड़क पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। एक तरफ गर्मी से राहत तो दूसरी तरफ लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गली मोहल्ला मकान दुकान सभी में पानी भर चुका है। पानी खूब भरे मंदिर में कोशिश करा था और निकल भी नहीं कर पानी। हाँ बहुत बार अंदर तक चल दे हवा। छत्तीसगढ़ में आसमान से बरस रही आफत ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है, तो वहीं दुर्ग में भारी बारिश के भले ही लोगों को परेशानी बारिश से भले परेशानी हो रही है, लेकिन उफान मार रहे शिवनाथ नदी के किनारे लोग खूब एंजॉय भी कर रहे हैं। सुहाना मौसम और नदी में लबालब पानी के बीच मरमरा एनिकेट पिकनिक स्पॉट बन चुका है, जहां हजारों लोग हर रोज मौसम का आनंद उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि भारी बारिश के बाद शिवनाथ नदी ने जो रौद्र रूप धारण किया, उसके बावजूद सुरक्षा के नाम पर कोई इंतजाम नहीं है। हमारे न्यूज 18 के सहयोगी शिवनाथ नदी के किनारे पहुंचे और लोगों से जान जाना आखिर सुहाने मौसम में वो कैसा महसूस कर रहे हैं।
दुर्ग जिले में लगातार तीसरे दिन भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश होने की वजह से नदी नाले उफान में तो आ ही गए हैं। साथ ही दुर्ग की जो सबसे बड़ी शिवनाथ नदी है वो पूरी तरह से उफान पर आ गई है। देख सकते हैं कि हमारा अनिकट जो है वो पूरी तरह से डूब चुका है। अनिकट के ऊपर से ये पानी जा रहा है, करीब 10 फीट से ऊपर ये पानी चला गया है और देख सकते हैं कि कितना मनोहर दृश्य ये नज़र आ रहा है मामरा अनिकट का, जहाँ पर लोग बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं और इस मौसम का आनंद उठा रहे हैं। और ये देख सकते हैं कि चारों ओर जो है वो इसी तरह से लोग नज़र आ रहे हैं। पानी नहीं गिर रहा था, पानी गिर रहा है और अब जो है बाढ़ जैसी स्थिति आ रही, कैसा लग रहा है अभी? ये हर साल का अच्छा लगता है, शिवनाथ नदी लोग आते हैं, बारिश होती है तो यहाँ चहल पहल बढ़ जाती है, त्यौहार मनाते हैं लोग। मौसम कैसा लग रहा है, कितना आनंद उठा रहे हैं मौसम का? इस मौसम का तो सभी से इंतजार था, काफ़ी गर्मी पड़ रही थी दूर में, आप लोग जान ही रहे हैं। ये पिछले 2 दिन से जो बारिश हुई है इसमें ठंडक मिली है लोगों को, लोग खुश। तो देखिए कुछ लोग और उनसे बातचीत करेंगे। देखिए पानी के इंतजार किया जा रहा था, पानी आया तो भरपूर आया है, मौसम भी अच्छा, कैसा आनंद उठा रहे हैं? बहुत मज़ा आ रहा है, पानी देख के बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति हो जाएगी लग रहा है अब। बालोद बस स्टैंड में भारी पानी आ चुका है, 2 फीट से ज्यादा बस स्टैंड पर पानी भर चुका है। बसों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हुई है, कहीं ना कहीं लोगों को यहां पर परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। देखिए 2 फीट तक पानी भर चुका है और अब लोगों को भारी परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। ये बस स्टैंड की तस्वीर है जहाँ पर पानी भर चुका है, 2 फीट से ज्यादा ये पानी है और बसों की आवाजाही भी इस वजह से प्रभावित हो रही है। तो वहीं धमतरी में भारी बारिश से दफ्तर का छज्जा गिर गया, लोक निर्माण दफ्तर का छज्जा गिरा, पहले से ये जर्जर था और इसी वजह से ये हादसा हो रहा बताया जा रहा है। हालांकि हादसे में जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, ये शुक्र की बात है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, लोक निर्माण दफ्तर का छज्जा गिरा है, हालांकि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है, पर ये पहले से ही जर्जर हालत में था और कभी भी ये गिर सकता था, इसके संकेत पहले ही दिए गए थे और अब ये तस्वीरें सामने आई हैं। महासमुंद जिले के एक सरपंच ने सड़क की मांग को लेकर दिल्ली में अनोखा प्रदर्शन किया। दिल्ली की सड़क पर लौटते हुए सरपंच केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के निवास पर पहुंचे और स्वीकृत पक्की सड़क को जल्द बनाने की मांग की। ग्रामीणों ने चंदा कर बावन केरा से लेकर रामा डबरी तक के लिए पक्की रोड की मांग को लेकर सरपंच को दिल्ली भेजा था। और आने जाने के लिए कोई और मार्ग नहीं है, कच्ची होने के कारण से बारिश के समय में पूरा रोड पूरा ख़राब हो जाता है, आवागमन पूरा प्रभावित हो जाता है। मैं गांव वाले सब जिला प्रशासन को और अपना वित्त मंत्री महोदय जी को और अपना जो सीएम साहब जो है अपना छत्तीसगढ़ शासन वर्तमान में, उसको भी मैं लेटर दिया था, लेटर मेरे पास है, पावती सबका रखा हुआ हूँ टेंडर ओपन करवाने के लिए। बलौदाबाजार से बड़ी खबर है, न्यायिक जांच के अध्यक्ष पहुंचे हैं बलौदाबाजार, हिंसा मामले की जांच के लिए पहुंचे हैं। बता दें कि 15 और 16 मई को बवाल हुआ था और उसके बाद ही इस पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है। अब न्यायिक जांच के लिए अध्यक्ष पहुंच चुके हैं बलौदाबाजार, हिंसा मामले की जांच पड़ताल अब होगी गहनता के साथ। ये भी आपको जानकारी दे दें कि 15 और 16 मई को बवाल हुआ था और उसके बाद से ही कई सारे सवाल उठने लगे थे और इस पर जो है टीम भी गठित की गई थी, न्यायिक जांच के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। अब ये जो अध्यक्ष हैं ये पहुंच चुके हैं बलौदाबाजार, हिंसा मामले की जांच पड़ताल गहनता से करेंगे, सभी से पूछताछ भी होगी कड़ाई से। बिलासपुर का जिक्र करेंगे, बैंक मैनेजर से मारपीट का यह मामला है, पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बैंक में घुसकर मारपीट की थी, मारपीट का वीडियो भी सामने आया था। बैंक मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये तस्वीरें सामने आई थी बैंक की, जहां पर कुछ बदमाशों ने, गुंडे बदमाशों ने बैंक में घुसकर मैनेजर के साथ मारपिटाई की थी, चांटे मारे थे और उसके बाद जो है मैनेजर ने शिकायत की, उसी के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इन तीन बदमाशों को गिरफ्तार अब कर लिया गया है।
हाँ, लोन संबंधी जानकारी लेने आए हुए थे। उन्होंने पहले से ही बैंक से लोन लिया हुआ था। लोन सेटलमेंट की बात को लेकर उन तीनों ने बैंक मैनेजर से हाथापाई की है। उन्हें इस घटना पर FIR दर्ज हो गई है और तीनों को गिरफ्तार कर रिमांड पे भेजा जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, बैंक में घुसकर मैनेजर के साथ खूब मारपिटाई की गई, अब मैनेजर ने शिकायत की तो इनकी गिरफ्तारी भी बदमाशों की हो गई है, क्या मामला बताया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को हिरासत में लिया और पूछताछ कर उनके ऊपर कार्रवाई की है। निश्चित रूप से जिस तरीके से तीनों युवक जो बैंक SBI के बैंक में घुसकर मैनेजर से मारपीट की, इसके अलावा जो वहां पर दूसरा मैनेजर था, एरिया मैनेजर, उसके साथ मारपीट की, पूरी घटना CCTV में कैद हो गई थी। जो कारण निकल कर सामने आया वो ये आया है कि लोन सेटलमेंट को लेकर दोनों मैनेजर और इन तीन युवकों के बीच विवाद हुआ था, क्योंकि ये जो तीनों युवक है नशे में धुत थे, लिहाजा इन्होंने सबसे पहले विवाद किया और विवाद इतना बढ़ गया कि इन लोगों ने मैनेजर के साथ मारपीट की, जिसकी घटना जो है वो CCTV में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई कर रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश। जगदलपुर से बड़ी खबर है, जेल प्रहरी की हत्या का यह मामला है। बता दें पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। 15 जुलाई को जेल प्रहरी इनोस बख्श की लाश मिली थी और इसी मामले में आपको बताएं कि आरोपियों को गिरफ्तार अब किया गया है, तीन आरोपियों की गिरफ्तार हुई है। दरअसल जेल प्रहरी की हत्या का यह मामला है और अब जो है जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तीन आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, अब इन पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। ये भी जानकारी दे, 15 जुलाई को जेल प्रहरी इनोस बख्श की लाश मिली थी और इसी मामले में अब तीन गिरफ्तारियां। पंद्रह तारीख का है, ग्राम मार्केल में हमको एक डेड बॉडी मिली थी 15 की सुबह में। हम जांच करना शुरू किया तो हमको तीन जो लोग थे उन पे हमें शक हुआ, जिनका नाम है सुरेश, साधुराम और कामेश्वर बघेल। फाइनली जब ये मुंबई से वापस लौट कर आ रहे थे, इनको इंटरसेप्ट किया गया कोंटा में, इनको हमने फिर पकड़ा। पकड़ने के बाद फिर ये पूछताछ करने के बाद ये मामला निकला है कि आपसी रंजिश के बीच इन तीनों ने इनोश बख्श के साथ मारपीट किया और मारपीट करने में कुछ जो इंजरीज थी वो इतनी ज़्यादा सीवियर हो गई थी कि उसकी जान चली गई। उन्हीं और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, जेल प्रहरी की हत्या हुई थी और इस मामले में लगातार जांच पड़ताल भी चल रही थी, अब जाकर के तीन की गिरफ्तारी हुई है। जी बिल्कुल, ये 15 जुलाई का मामला है जहां पर एक जेल प्रहरी है, उसकी संदिग्ध तरह से मौत हो गई थी। मौत होने के बाद परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी, इसके बाद बस्तर पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की। बताया जा रहा है कि जो वहां के जो लोग हैं, तीन आरोपी थे जो जेल प्रहरी के साथ बैठे थे काफी देर तक, उसके बाद आपसी विवाद हुआ और काफी मारपीट करके उसे अधमरा छोड़ दिया गया था। नगरनार क्षेत्र के जो इलाका है वहां छोड़ दिया था, जिसके बाद पुलिस ने इन आरोपी को पकड़ने के लिए योजना बनाई और ये आरोपी मुंबई, बेंगलोर और तिरुपति में चले गए थे, फरार हो गए थे, जिसके बाद बस्तर पुलिस ने आरोपी की घेराबंदी शुरू करके कोंटा से उसे उन्हें आज गिरफ्तार करके जगदलपुर लाया गया, जहां पर उन्हें रिमांड में जेल भेज दिया गया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।